Hi guys, very good evening. Uh, today we will be talking about group of 7, which is known as a G7 Club. How G7 work. So G7 meetings and summits heard, recently it has been in the news. So we'll talk about G7, G7 Club and summits. Context: Calling the existing group of seven, G7 Club, a very outdated group of countries. US President Donald Trump has said that he wanted to include India. रशिया साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ग्रुप दिस इज़ द रीसेंट न्यूज़ जो जी सेवन ग्रुप था उसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेजिडेंट यू एस हैज सेड के इंडिया रशिया साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया को वो एड करना वो इंक्लूड करना चाहते हैं इस बार की जी सेवन समिट में दिस इज़ द कंटेक्स रेफरेंस ऑफ कंटेक्स नील टॉक अबाउट व्हाट इज जी सेवन क्लब वॉट इज जी सेवन द जी सेवन औरली जी एट सबसे पहले इसको जी एट इसमें आठ कंट्रीज थे वो सेटअप इन नाइनटीन सेवनटी फाइव एज एन इनफॉर्मल फोरम ब्रिंगिंग टुगेदर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस जो दुनिया के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे उनको एक साथ में ला के जो क्लब बनाया गया था उसको हम जी एट बोलते थे इट वॉज़ फॉर्मड इन नाइनटीन फाइव द समिट गैदर्स लीडर्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन And the following countries Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States. So these were the countries along with European Union. The G7 nations meet at annual summits. In the summit annually that are presided over by leaders of member countries on a rotational basis. सो एवरी टाइम जो लीडर्स ऑफ मेम्बर कंट्रीज होते हैं दे आर इन रोटेशनल बेसिस ओके द समिट इज़ एन इनफॉर्मल गैदरिंग दैट लास्ट टू डेज इन विच लीडर्स ऑफ मेम्बर कंट्रीज डिस्कस अ वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल इशूज तो ये इशूज कोई भी हो सकते हैं लाइक इट कैन भी इकनॉमी इट कैन भी पोलिटिकल इशूज एनी थिंग बट इस समिट का पोलिटिकल इन्फ्लुंस बहुत होता है

the global agenda because decisions taken by these major economic powers have a real impact so basically इसमें जितने कंट्रीज हैं और वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड हैं तो जो भी डिसीजन ये लेते हैं दे हैव अ रियल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड दस डिसीजन टेकन एट द जी सेवन आर नॉट लीगली बाइंडिंग बट एक्जर्ट स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल इन्फ्लुएंस लीगली बाइंडिंग नहीं है बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जी सेवन समिट्स के डिसीजन का बिकॉज जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज जी सेवन गैदरिंग्स व्रिटिसिज्मीन मेड ऑफ द जी सेवन जी सेवन गैदरिंग्स दिस इज रिसेंट क्रिटिसिज्म जो आज की डेट का है वो वील टॉक अबाउट इट जी सेवन गैदरिंग्स टेन टू अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स मैनी प्रोटेस्टर्स क्लेम जी सेवन हैज़ नो रिप्रेजेंटेटिव from एनी अफ्रीकन Russian और मिडल ईस्टर्न नेशन एंड is completely आउटडेटेड तो काफ़ी प्रोटेस्टर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जी सेवन में कोई भी अफ्रीकन रशियन या मिडल ईस्ट नेशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सो दे कोट इड एज एन आउटडेटेड समिट प्रोटेस्ट ग्रुप्स ऑल्सो यूज द वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म एज अ स्टेज टू लॉबी एंड कैंपेन ऑन इशूज दैट आर इम्पोटेंट टू दैम कुछ इश्यूज़ हैं जो प्रोटेस्ट ग्रुप्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और वो उस का एक लॉबी बना करके प्रोटेस्ट करते हैं कि बट जी सेवन इज नॉट डिस्कसिंग आर इश्यूज़ ओके जी सेवन लीडर्स आर क्रिएटिंग अ वाइड गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स बोथ इन देयर कंट्रीज एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट पब्लिश बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑक्सफैम इंटरनेशनल As a result, they are making the fight against alleviating property more difficult, claimed the report. So, this is basically the uh, conclusion that is derived by. न्यू रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑक्सफार्म इंटरनेशनल जिसमें कि ये बताया गया है कि इट इज़ क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स दिस बेसिकली हैव्स एंड हैव नॉट्स यहाँ पर हम उन नेशंस को रेफर कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं हैं और जो नेशंस इकोनॉमिकली साउंड हैं सो दैट वीज़ वो जो पॉवर्टी एलिविएट करने की जो फाइट है उसको और डिफिकल्ट बना रहे हैं बिकॉज ऑल द इकोनॉमिकली साउंड पार्स टू नॉट अंडरस्टैंड Where do they have to work on when it comes to poverty? How can it be made more effective? Work towards implementing tax models for the rich individuals, low tax models, and corporations to pay their fair share of tax. Second, consider how new and existing wealth taxes could be used as a tool to fight poverty and inequality. जो एग्जिस्टिंग वेल्थ टैक्सेस हैं उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं पॉवर्टी को और इनिक्वालिटी को रिमूव करने के लिए थर्ड इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड प्रोवाइड एड टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया सो दिस दिस शुड बी वन मोर ऑब्जेक्टिव कि हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें और जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो और फ्लरिश करें वर्क टूवर्ड्स लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस

Uh, साल के जी सेवन प्रेजिडेंट अलग होते हैं इन द रोटेशनल शिफ्ट उस साल का जी सेवन प्रेजिडेंट है वो होस्ट करते हैं द समिट डजेंट हैव एनी लीगल और पोलिटिकल अथॉरिटी इनका कोई लीगल और पोलिटिकल अथॉरिटी नहीं होता है बट वेन दी सेवन वर्ल्ड लीडर्स अग्री ऑन समथिंग इट हैज़ द पावर टू शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ वाई बिकॉज दीज सेवन लीडर्स आर द मोस्ट पावरफुल नेशनस इकोनॉमिकली तो अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं तो इनके डिसीजन में उतनी पावर होती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्शन को ये चेंज कर सकते हैं जी सेवन मेंबर कंट्रीज एंड अदर अटेंडीज जी सेवन वर्सेज डी एट ओके सो जी सेवन मेंबर कंट्रीज आर जो इसमें मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन फ्रांस जापान जर्मनी इटली एंड कैनाडा the first six countries were the original members of the g6. its first summit was held in held at rambert, france, in 1975. at that time, it was g6, Us time par g6. Tha. canada joined in 1976, making it g7. and in 1997, russia joined, making it g8. so 1997 made a total g8. Bana. in 2013, g8 became g7 again. क्यों रशिया की वजह से इट इन्वेडेड क्रीमिया रशिया क्रीमिया इन द दी एट मेम्बर्स एक्सक्लूडेड रशिया एज अ पार्ट ऑफ सेंशन अगेंस्ट इट क्योंकि उसने क्रीमिया को इन्वेड किया अदर इम्पॉर्टेंट ग्लोबल लीडर्स आर इन्ड इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन चाइना इंडिया मैक्सिको एंड ब्राज़ील द लीडर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो इनवाइटेड इंक्लूडिंग द आई एम एफ वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस तो ये लोग अपार्ट फ्रॉम दीज मेंबर नेशंस देर आर रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर द यूरोपियन यूनियन चाइना इंडिया मेक्सिको एंड ब्राज़ील द इंटरनेशन लीडर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आई वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन ये लोग भी इन्वाइट किए जाते हैं G7 summit 2020 US will host the summit in 2020 2020 में यू जो है वो समिट को होस्ट करेंगे President Donald Trump has proposed hosting it at his company-owned resort in Dural, Florida. Critics argue that it is an unethical use of Trump's political position for personal gains. This is critic. The last time the US hosted the event was in 2012. President Barack Obama held it at government-owned property Camp David. 2019 summit mein hua tha? France hosted 2019 summit at Biarritz on August 25 to 27, 2019. Its official focus was on fighting income and gender inequality and protecting biodiversity. So every meeting has an agenda. 2019 ka agenda kya tha? fighting income and gender inequality and protecting biodiversity. So this this was all about G7 Summits, guys. Thank you very much. If you like my video, please do subscribe to my channel by clicking the bell icon. In order to stay updated for more such videos. Thank you.